आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। आवर क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इक्वेशन इज अकॉम्पनीड बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड 2। यू हैव टू डिटरमाइन व्हिच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट और नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ स्टेटमेंट दैट व्हाट इज द टाइम पी एंड क्यू टू कंप्लीट द वर्क। स्टेटमेंट 1 हमें क्या गिवन है, दैट इज पी एंड आर टेक 10 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। स्टेटमेंट 2 इज पी क्यू एंड आर टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क सिंपली। नाउ सबसे पहले हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 1 में पी एंड आर कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करते हैं, 10 आवर्स में। स्टेटमेंट 2 दैट इज क्यू एंड आर कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करते हैं, 12 आवर्स में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज पी एंड क्यू मिलकर किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। सो सिंपली सबसे पहले हमें स्टेटमेंट 1 लेके चलते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, दैट इज पी प्लस आर। पी एंड आर किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 10 आवर्स में, दैट इज 10 आवर्स। नाउ स्टेटमेंट 2 दैट इज क्यू एंड आर टेक्स 12 आवर। सो क्यू एंड आर कितने टाइम में, 12 आवर्स में वर्क कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 से देखते हैं, स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ रहा है क्या जो हमें फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू का। सो पी एंड क्यू का वर्क निकालने के लिए पी एंड क्यू की एफिशिएंसी हमें चाहिए। स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है कि पी एंड आर कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट फॉर आंसरिंग सिंपली। नाउ अब हम स्टेटमेंट 2 को लेके चलते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है, क्यू एंड आर। सो क्यू एंड आर का हमें गिवन है, जबकि हमें चाहिए किसका, पी एंड आर का, पी एंड क्यू का सिंपली। सो हमारे को आर एक्स्ट्रा गिवन है, हमें पी की एफिशिएंसी तो क्यू एंड आर से मिल नहीं सकती, पी बीच में कहाँ से आ गया सिंपली, तो सिंपली स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट नहीं है। नाउ अब हम दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 का मिला के देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है क्या। तो सिंपली पी एंड आर का हमें गिवन है, क्यू एंड आर का हमें गिवन है, इससे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सो टोटल वर्क के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम सिंपली। नाउ एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 एंड 12 का सिंपली, डेट इज 60 सिंपली, 60। सो 60 टोटल वर्क है। पी एंड आर उसी काम को 10 आवर्स में वर्क कंप्लीट करते हैं, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 10 सिंपली, सो कितना आ जाएगा, डेट इज 6। नाउ क्यू एंड आर उसी काम को 12 आवर्स में करते हैं, सो 60 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, कितना आ गया, 5। सो इससे ही हमारी एफिशिएंसी किन की आई है, पी और आर की दोनों की मिला के एफिशिएंसी 6 आई है, क्यू एंड आर की दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 आई है। नाउ इससे हमें एफिशिएंसी किन की चाहिए, पी एंड क्यू की, पी एंड क्यू की। तो इन दोनों से तो एफिशिएंसी हम नहीं निकाल सकते, पी एंड क्यू की सफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि पी प्लस आर में से अगर क्यू की, क्यू और आर की माइनस करते हैं, सो क्यू की बच जाएगी, क्यू की एफिशिएंसी हमारे पास बच जाएगी 6, माइनस 5 नहीं कर सकते हम। डेट अगर हम कहते हैं कि पी प्लस आर की एफिशिएंसी में से अगर आर की माइनस कर दे तो हमारी पी की एफिशिएंसी आ जाएगी, और क्यू प्लस आर में से आर की एफिशिएंसी माइनस कर दे तो क्यू की आ जाएगी, और पी और क्यू की ही एफिशिएंसी चाहिए हमें इन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, पी एंड क्यू का निकालने के लिए। सो पी प्लस आर में से अगर हम माइनस कर दे क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर की, क्यू प्लस आर की, सो यहाँ देखते हैं पी प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर, डेट इज कितनी गिवन है, डेट इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सो प्लस आर माइनस आर कैंसिल आउट हो गए, सो पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के, जबकि हमें पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी चाहिए 1 के, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी चाहिए आई किसके, पी माइनस क्यू की, पी प्लस क्यू की किसी भी केस में नहीं आ सकती सिंपली। सो हमारी स्टेटमेंट 1, डेट इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट नहीं हो पा रही हमारे के लिए, तो सिंपली ऑप्शन चेक करते हैं हम। सिंपली ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं, डेट इज ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, नाइदर स्टेटमेंट 1 नोर स्टेटमेंट 2 इज इन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।